हेलो फ्रेंड्स, जय भारत। बाथरूम में ओपन पाइपलाइन कैसे करते हैं आज हम बताएंगे। ये वाल मिस्ट्रक्चर पॉइंट ओपन कैसे बनाते हैं। यहाँ से ऊपर से टंकी से आउटपुट निकल के यहीं पर एक टी देकर ये अंदर साइड जा रहा है और नीचे साइड एक बेसिन के लिए वहाँ जा रहा है। और यहाँ से 1 इंच CPVC पाइप इनपुट आउटपुट निकला है और यहाँ से टी देकर ये नीचे तक लाया है। 1/2 ब्रास एल लगाकर ये एंगल का लगाकर ये चिस्टन के लिए कनेक्ट हो गया है। और वहीं से 1 इंच एल्बो देकर यहाँ तक लगाया और यहाँ से एक 1 इंच टी देकर ये नीचे तक आया है। और नीचे से ये 1 और 3/4 रेडूसर टी लगाकर वहाँ तक जा रहा है और यहाँ से एक टेप के लिए नीचे तक निकल गया है। और वहाँ से 3/4 पाइप आकर यहाँ से 3/4 MTA लगाकर जो ओपन स्टॉप कॉक लगाकर यहाँ से एक 2 MTA लगाकर वहाँ तक आया है और ये 3/4 क्रॉस लगाकर नीचे तक एक टेप के लिए और ऊपर जो शावर के लिए ओपन कॉक लगाकर हेड शावर लगा दिया है। और वहाँ से जो गीजर का आउटपुट निकल के आ रहा है वहीं तक और यहीं से एक स्टॉप कॉक लगाकर ये वहाँ तक आ रहा है। और जो ऊपर से टी लगाकर जो ठंडा पानी एक गीजर तक जा रहा है, एक गीजर का पानी ऊपर ठंडे पानी और ये आउटपुट पानी जो हीट वाटर। ये देखो जो ओपन में वाल मीटर नहीं लगा सकते हैं, वाल मीटर लगाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसलिए 3 स्टॉपर लगाकर हमने वाल मीटर का पॉइंट सेटअप कर दिया है। देखो ये स्टॉपर को जो ठंडे पानी के लिए और ये स्टॉपर को जो गीजर से आउटपुट हो रहा है ये हीट पानी के लिए गर्म पानी और ये ऊपर शावर के लिए। देखो ये ऑफ होगा तो ठंडे पानी ऑफ होगा और यहाँ से ऑन करके हम हीट पानी ले सकते हैं। और यहाँ से ऑन करके हमने नॉर्मल पानी जो ठंडे पानी और यहाँ से ऑफ करके हमने केवल ठंडे पानी ले सकते हैं हीट पानी रोक कर। जब हमने मिक्स पानी चाहिए तो हमने ये ठंडे स्टॉपकॉक और गर्म स्टॉपकॉक दोनों को ओपन कर देंगे तो मिक्स पानी आ जाएगा और ऊपर केवल ये शावर के लिए जा रहा है। शावर के लिए भी हमने ये गर्म पानी और ठंडे पानी ले सकते हैं ये स्टीम स्टॉपकॉक के जरिए, जो कि ये 3 स्टॉपकॉक के जरिए हमने ये सेटअप कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी बाथरूम सेटअप कर सकते हैं। वहाँ पे अभी गीजर नहीं लगा है, बाद में लगाएंगे। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट करें। जय भारत।